أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 50, 51 और उसके आगे तफसीर की जाएगी। इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि फरिश्ते जंगे बद्र में मुसलमानों की मदद के लिए शामिल हुए थे और उन्होंने इस जंग में मुसलमानों की भरपूर मदद की, काफिरों की पिटाई हुई और वो जलील और रुस्वा भी हो गए। अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 50 में ये इरशाद फरमाता है वलौ तरा इज़ यतवफ्फल लदीना कफूरुल मलाइका यग़रिबून वजूहहुम वअदबारहुम वज़ूकू अज़ाबल हरीक ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد यानी अल्लाह तबारक ताला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है कि अगर आप देखते यानी वलौ तरा और जब आप देख रहे थे तरा यानी तू देख रहा था कि फरिश्ते काफिरों की पिटाई कर रहे थे यतवफ्फा यानी उनको मार रहे थे वफात से है यानी और जब तुम देख रहे थे कि फरिश्ते काफिरों को मार रहे थे यज़रिबून वजूहहुम उनके चेहरों पर मार रहे थे वादबार हूं और उनकी पुश्तों पर वज़ूकू और उनसे कहा जाता था ज़ूकू अज़ाबुल हरीक तुम आग का अजाब चखो आग का अजाब चखो। इस आयत की तफसीर के बारे में दो कौल है कि ये किस वक्त की बात है जब फरिश्ते उनके चेहरों पर उनकी पुश्तों पर मारते हैं। पहली बात तो ये है, बाद मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जंगे बद्र का वाकया है कि जंगे बद्र में मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते आए थे और मुसलमानों के बीच में लड़ रहे थे और फरिश्तों को मार रहे थे आग के कोड़े से, उनके चेहरों पर उनके पीठों पर मार रहे थे और कहते थे कि ये आग का अजाब चखो। बाद लोगों ने इसकी तफसीर यही की है कि ये जंगे बद्र के ताल्लुक से ये आए थे। बाद लोगों ने इसकी तफसीर की है कि ये है दरअसल उस वक्त का मामला है कि जब काफिरों की रूह फरिश्ते निकालने आते हैं
और रूह से कहते हैं कि ऐ रूह, ऐ खबीस रूह, तू निकल, तेरा टाइम पूरा हो गया। तो वो रूह निकलना नहीं चाहती है और पूरे उस काफिर इंसान के जिस्म में दौड़ना शुरू कर देती है, भागना शुरू कर देती है, छिपने की कोशिश करती है। जैसे कि बरा इब्ने आज़िब की एक हदीस में, लंबी हदीस है, उसमें तफसील से जिक्र किया गया है कि जब मलकुल मौत काफिर के पास आते हैं उसके मरने के वक्त, तो कहते हैं ऐ खबीस रूह तू निकल जा, तो वो पूरे जिस्म के अंदर दौड़ना शुरू कर देती है और निकलना नहीं चाहती है, और दौड़ते दौड़ते एक जगह वो रुक जाती है। तो फरिश्ते जो ये साथ में लेके आते हैं, क्या कहते हैं, जो टुकड़ा होता है, जो कपड़ा या जो भी गंदी चीज जहन्नम से बदबूदार चीज लेके आते हैं, और उसको जबरदस्ती उस रूह को उसी से खींच करके पकड़ते हैं और निकालते हैं, तो बहुत तकलीफ काफिर को उस वक्त होती है। यहां तक कि उसकी नसें बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे टूट गई है, तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद निकाल करके फरिश्ते उस रूह को अपने कब्जे में करते हैं और आसमान की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब आग का अजाब चखो। इसके बरखिलाफ नेक लोगों की रूह जब निकालते हैं तो फरिश्ते जब कहते हैं कि ऐ पाक रूह निकल जा, तो बिना किसी तकल्लुफ के आराम के साथ वो रूह निकल जाती है और फरिश्ते उसको लेके आसमान की तरफ चले जाते हैं। तो बाद लोग कहते हैं कि इससे, इस आयत से मुराद खबीस रूह, काफिरों की खबीस रूहें हैं, जब फरिश्ते उसके आखिरी वक्त निकालने की कोशिश करते हैं मरने के वक्त और उससे कहते हैं कि तू आग का अजाब चखने के लिए तैयार रहे। तो फरमाया वलौ तरा इज़ यतवफ्फल लदीन कफरू, और जब तुम देख रहे थे कि फरिश्ते काफिरों को मार रहे हैं, उनके चेहरों पे मार रहे हैं, उनके पुश्तों पर मार रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि आग का अजाब चखो, क्यों चखो, ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد, ये तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है जो तुमने पहले किया है। ذلك بما قدمت ايديكم, ये तुम्हारे हाथों की कमाई जो तुमने पहले भेज रखा है, कर रखा है, क्योंकि आज जो तुम्हारे ऊपर परेशानी आ रही है, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ अल्लाह तबारक ताला कोई जुल्म कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, बल्कि तुम अपने हाथों ने कमाया है, जो आमाल किए हैं उसी के बदले में तुम्हारे सामने आज मामला पेश हो रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता है। अपने बंदों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक ताला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है, बल्कि इंसान के ऊपर जो परेशानी आती है वो उसके हाथों की कमाई होती है। क्योंकि सही मुस्लिम की एक हदीस है, अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, वो एक हदीस कुर्सी है कि इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तुज़ालिमू, यानी मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर रखा है, मैं किसी के साथ जुल्म नहीं करता हूं, और तुम अपने दरमियान भी इसमें हराम कर लो, लिहाजा एक दूसरे पे जुल्म ना करो। आगे अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कदअब आल फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कफरू बिआयातिल्लाह फअख़ज़हुमुल्लाह बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाहा क़वीउन शदीदुल इक़ाब। फरमाया कदाब आल फिरऔन, कदाब के माने हालत होता है, यानी
आले फिरौन की हालत की तरह उनके मिसल, और वो लोग जो उनसे पहले थे, फिरौन और जो लोग उससे पहले थे, उन्होंने अल्लाह की आयतों की तकजीब की, उसके साथ कुफ्र किया, झुठलाया। फअखदहुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया, अल्लाह तबारक ताला उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला इन्नल्लाह कवीयुन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह तबारक ताला सख्त सजा वाला है और मजबूत है। मतलब इसका यह है कि जिस तरीके से तुम लोगों ने, कुफार ने तकजीब की, झुठलाया नबी को, इस्लाम को, रसूलों को, किताबों को, इस तरीके से इनसे पहले भी बड़ी बड़ी हस्तियां आईं, फिरौन आया और इस जैसे लोग कई लोग आए, और उनका भी अंजाम यही हुआ जब उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, उसके साथ कुफ्र किया, तो उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उनको सख्त पकड़ लिया, इतना ज़बरदस्त पकड़ लिया कि नामो निशान मिटा दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला बहुत सख्त सजा वाला है, शदीदुल इक़ाब है। आगे अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 53-54 में, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين। كري اس وجه سے ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة, इसलिए कि बेशक अल्लाह तबारक ताला किसी भी नेमत को, किसी भी कौम से जो उसने इनाम किया है, नहीं बदलता है, यानी किसी भी कौम से अपनी दी हुई नेमत को नहीं छीनता है उस वक्त तक। लम यकुन मुगय्यरन नेमतन, वो उस नेमत को नहीं बदलता है, अनअमहा अला कौमिन, जिस नेमत को उसने किसी भी कौम पे दिया है, अता किया है, हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, यहां तक कि वो कौम अपनी हालत बदल ले, अपना तौर तरीका, अपनी आदत, अपनी हालत बदल ले, तो अल्लाह तबारक ताला उससे अपनी नेमत को छीन लेता है। हाल बदलने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि जब इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने नेमतों से नवाजा, तो चाहिए था कि इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा करे उसकी नेमत का, और शरीयत के मुताबिक चले, गुनाहों से तौबा कर ले, होना तो ये चाहिए था। लेकिन अगर उसने अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाया और उसकी दी हुई नेमत का शुक्रिया भी अदा नहीं किया, साथ साथ गुनाहों में मुब्तला रहा, अल्लाह से तौबा इस्तगफार नहीं किया, गुनाहों पे गुनाह करता रहा, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है हम अपनी उस नेमत को छीन लेते हैं, हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, यहां तक कि वो कौम अपनी हालत बदल ले, व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह तबारक तआला बहुत ज्यादा सुनने और जानने वाला है। यानी जब कोई कौम अपनी हालत बदल लेती है, नेमतों की नाशुक्री करती है, तब अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि तब हम उसकी हालत बदल देते हैं, यानी अच्छी हालत से उसकी हालत हम खराब कर देते हैं। कदाब आले फिरौन, अल्लाह तबारक ताला इससे पहले भी आले फिरौन का जिक्र किया था, और इस आयत में भी अल्लाह तबारक ताला आले फिरौन का जिक्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने फिरौन के साथ जो मामला पेश आया, जो उसकी हालत के ऊपर दुनिया जानती है, फिरौन भी बहुत मजबूत, ताकतवर, बहुत सारी नेमतों से फायदा उठाया, लेकिन जब उसने उसकी नाशुक्री की, तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको भी पकड़ लिया और सख्त पकड़ा, फरमाया कदा अब आले फिरौन,
आले फिरौन की हालत की तरह उसके मिसल, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उन लोगों के मिसल जो उनसे पहले थे जिन्होंने कज़्ज़बू बिआयात रब्बिहिम अपने रब की आयतों की तकज़ीब की झुठलाया, फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उनके गुनाहों के सबब उनको हिलाक कर दिया, वअग़रक़ना, कैसे हिलाक किया, वअग़रक़ना आले फिरौन, और हमने फिरौनियों को आले फिरौन को डुबो दिया, पानी में डुबो दिया, वह कुल उनका अनुमीन, इसलिए कि तमाम के तमाम लोग बहुत ज़्यादा जालिम थे, गुनहगार थे, गुनाहों में मुब्तला थे, बड़े बड़े जुल्म किए, इसलिए हमने उनको भी गर्क कर दिया, हिलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह तबारक तआला बता रहा है कि जैसे हमने तुमको किया, हमने इससे पहले बड़े बड़े लोगों को भी किया, क्यों किया, उनके गुनाहों की वजह से, उनके गुनाहों के सबब हमने अपनी नेमत को भी छीन लिया, हमने जो नेमतें उनको बागात, चश्मे, खजाने और इस तरीके से इज्जत, नेमत, मेवे वगैरह जो हमने कुछ उसको दिया था, हमने उनको छीन लिया और उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको हिलाक कर दिया। ये आयत नंबर 53 और 54 की तफसीर थी, बाकी इंशाअल्लाह कल के दर्श में होगा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमईन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।